गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन टॉपिक शुरू करेंगे विभवमापी। विभवमापी क्या होता है? देखिए, इसे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने ये सारे चीजें डिस्कस कर ली थी। पहले वाले किरचॉफ के नियम डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु डिस्कस कर लिया था, मीटर सेतु डिस्कस कर लिया था, सेल वगैरह भी डिस्कस कर लिए थे। विभवमापी आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विभवमापी, ठीक है। विभवमापी क्या है, सुनना बात को। किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी भी परिपथ में अगर कुछ प्रतिरोध है, अगर उसमें धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो उस विभवांतर की गणना करने के लिए, किसी सेल के विद्युत वाहक बल के लिए, उसकी टर्मिनल वोल्ट का मापने के लिए, या किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने का एक आदर्श उपकरण है। विभवमापी एग्जैक्टली वही काम करता है जो वोल्ट मीटर करता है, ठीक है। लेकिन वोल्ट मीटर जो विभवांतर की रीडिंग देता है, जो पाठ्यांक देता है, उसमें कुछ त्रुटि होती है, और उस त्रुटि को कम तो कर सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं कर सकते। देखो क्यों, बात को सुनना। एक एग्जाम्पल के जरिए बात करते हैं, देखिएगा। मान लीजिएगा ये प्रतिरोध है 10 ओम, ठीक है, और उसके अंदर 4 एम्पियर की धारा बह रही है। 4 एम्पियर नहीं, थोड़ा कुछ कम कर लेते हैं, 1 एम्पियर की धारा बह रही है, एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, ठीक है। 1 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो ओम के नियम से इसके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होना चाहिए? ओम के नियम से बात करें तो कितना विभवांतर होना चाहिए? वी इक्वल टू आई इंटू आर, तो 1 गुणा 10 मतलब 10 वोल्ट होना चाहिए। अब यदि मान लीजिए हम वोल्टमीटर को किस लिए लगा? विभवांतर की गणना करने के लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर। अब देखिएगा, तो वोल्टमीटर के अंदर सुई है, निडल है, ठीक है। देखिए, मैं आपको वोल्टमीटर शो करता हूं 1 मिनट को। जैसे ये रहा वोल्टमीटर, मेरे पास 3 वोल्ट का है, ये वोल्टमीटर है। तो इसके अंदर ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, विभवांतर की गणना करनी है। सिंपली पॉजिटिव टर्मिनल को ये वोल्टमीटर है, पॉजिटिव टर्मिनल को इस पर कनेक्ट कर दो, नेगेटिव। हमेशा वोल्टमीटर एमीटर में ध्यान रखना, धारा पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश करती है, नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलती है, तो ही अपनी ये रीडिंग देंगे, एमीटर भी और वोल्टमीटर दोनों, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे इधर अपन कैलकुलेट करें, ये तो 3 वोल्ट का है मेरे पास, ठीक है। एज्यूम करो तो आंसर कितना चाहिए? 10 वोल्ट। लेकिन वोल्टमीटर 10 वोल्ट रीडिंग नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं देगा? देखो बात को सुनो। अगर मान लीजिएगा इसके ऊपर सपोज ऐसी निडल है, अंशांकन भी कर रखा है, मान लीजिएगा 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, ठीक है, और करते करते मान लीजिएगा ऐसे 10 वोल्ट तक आ गए, तो इसकी निडल घूमकर 10 वोल्ट के ऊपर आनी चाहिए ना, मतलब ये जो निडल है। अब बताओ, निडल को घुमाना है, इस सुई को घुमाने में विक्षेप करने के लिए कुछ धारा चाहिए, ऊर्जा तो चाहिए ना, अपने आप कैसे घूमेगी? तो अपने सुई को घुमाने के लिए ये परिपथ से ही कुछ धारा ग्रहण करता है। तो परिपथ से यदि धारा ग्रहण करेगा, तो फिर इसके अंदर प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी? कुछ कम हो जाएगी। मान लीजिएगा ये 0.1 एम्पियर धारा लेता है 1 एम्पियर में से, ठीक है। तो इसका मतलब 0.9 एम्पियर इधर हो गई, 0.9 एम्पियर इधर की तरफ हो गई, और जो 0.9 एम्पियर इधर की तरफ हो गई, ठीक है, तो आंसर फिर कितना आ जाएगा? 0.9 × 10 मतलब ये हो जाएगा 9 वोल्ट, जबकि देना कितना चाहिए इसको? 10 वोल्ट, जबकि देगा कितना? 9 वोल्ट। तो इसका मतलब ये तो त्रुटि है, ठीक है। अच्छा, और मान लीजिएगा, अच्छा इसमें धारा कब, देखो इसकी भी कुंडली है, इसमें कुछ धारा ग्रहण कर रही होगी। अगर इस कुंडली का प्रतिरोध मैं बढ़ा दूं, कुंडली का प्रतिरोध यदि मैं बढ़ा देता हूं, तो यह धारा कम ग्रहण करेगा। मान लीजिएगा सिंपल एक एग्जाम्पल के रूप में,
100 ओम इसका प्रतिरोध है और ये 0.1 एम्पियर धारा ग्रहण कर रहा है, प्रतिरोध बढ़ा दो, मान लीजिएगा 1000 ओम कर दिया अनुमानित, ठीक है, मान लीजिए धारा और कम हो गई है, 0.01 एम्पियर धारा ले रहा है, तो अब 0.09 एम्पियर धारा इधर जाएगी, सॉरी 0.01 इधर लिखी तो 0.99 एम्पियर धारा इधर चली गई, तो अब 0.99 इंटू ये करेंगे 0.99 इंटू 10 तो कितना जाएगा 9.9 वोल्ट, लेकिन फिर भी अभी त्रुटि तो है ना अभी, ठीक है, और प्रतिरोध बढ़ा तो 10,000 ओम कर दिया, 10,000 ओम कर दिया, मान लीजिएगा धारा आपकी बार 0.001 एम्पियर चली गई तो आपकी बार 0.999 यहां पर चली जाएगी, ठीक है, तो आपकी बार 9.99 वोल्ट तक दे देगा, अभी भी त्रुटि तो है ना। अच्छा त्रुटि कब नहीं रहेगी, जब इसका प्रतिरोध कुछ बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा मतलब कितना, अनंत, अगर इसका प्रतिरोध इंफिनिटी हो जाएगा तो ठीक है ये धारा ग्रहण नहीं करेगा, 0 एम्पियर तो कोई त्रुटि नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम फिर ये है अगर जब धारा ग्रहण करेगा ही नहीं तो सुई घूमेगी क्यों, और जब सुई घूम ही नहीं सकती तो फिर रीडिंग कैसे देगा ये, समझ में आ रही मेरी बात, तो इसकी कंपल्सन है, इसकी मजबूरी है, सुई घुमानी है, धारा कुछ ग्रहण करेगा तो इस कुंडली का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो मतलब एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत, ठीक है, तो वोल्टमीटर विभवांतर की गणना करते समय परिपथ से कुछ धारा ग्रहण करता है इसलिए विभवांतर के मापन में कुछ त्रुटि होती है, जबकि विभव मापी एग्जैक्टली वही काम करता है जो वोल्टमीटर, लेकिन विभव मापी एक आदर्श उपकरण है, विभव मापी इसलिए सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने का एक आदर्श उपकरण है, यह विभवांतर की गणना करते समय परिपथ से धारा ग्रहण नहीं करता, मतलब ये धारा मापी के शून्य विक्षेप की स्थिति पर, ये ऐसे कहते हैं कि भी वोल्टमीटर के अनंत प्रतिरोध के सिद्धांत पर कार्य करेगा, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, तो कई बार ये पूछ रहता है कि विभवमापी और वोल्टमीटर में क्या अंतर है, तो काम तो इन दोनों का सेम है, लेकिन ये कुछ त्रुटि देता है कि बिल्कुल एक आदर्श उपकरण है, कैसा होता होगा विभवमापी, ठीक है, तो वोल्टमीटर तो बिल्कुल इतना सा ही डिब्बा है छोटा सा, विभवमापी में क्या करते हैं कि एक लकड़ी के बोर्ड पर 10 मीटर लंबा वायर होता है जो 1-1 मीटर लंबाई के 10 फेरों के रूप में जुड़ा होता है, ठीक है, किसी लकड़ी के बोर्ड पर ऐसे सीधा 10 मीटर लंबा वायर लेंगे तो बहुत ज्यादा उपकरण की साइज बड़ी हो जाएगी, ठीक है, ये वायर का सिरा पॉइंट ए और ये वायर का सिरा पॉइंट बी, मैं इसकी संरचना कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, विभव मापी कैसा होता है, कोई लकड़ी का बोर्ड होता है, उस लकड़ी के बोर्ड पर 10 मीटर कॉन्स्टेनन का या नाइक्रोम या मैग्नीन का वायर 1-1 मीटर लंबाई के 10 फेर, ये 1-1 मीटर लंबाई है और पास में मीटर स्केल भी लगा हुआ होता है, यहाँ पे स्केल भी बनाया हुआ होता है 1 मीटर लंबाई का, एक मीटर लंबाई का स्केल भी बना हुआ होता है, ठीक है, अब ये पार्श्व जो लंबाई है वायर की, इसका प्रतिरोध को खत्म करने के लिए ये यहां पे क्या करते हैं, तांबे की पट्टियां लगा देते हैं, चालक पट्टियां, देखो उससे प्रतिरोध कैसे खत्म हो जाएगा, देखो मैं समझाता हूं आपको,
देखिए इससे क्या होगा, बात तो सुनना, देखो मैं समझाता हूं पत्तियों से कैसे होगा। देखो मान लीजिएगा, देखो ये कोई प्रतिरोध है, चारों का प्रतिरोध है, ठीक है। और ये प्रतिरोध है मान लीजिएगा 2 ओम का, तो टोटल प्रतिरोध इसका कितना हो जाएगा, 4, समांतर क्रम में है 2, तो 4 × 2/4 + 2 मतलब 8/6 मतलब 4/3 ओम ए और बी के बीच में, ठीक है ना। अच्छा अब अगर मान लीजिएगा इसको शॉर्ट कर देते हैं अपन 0, तो अब इसका प्रतिरोध कितना हो गया 0। अब इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखो 4 × 0/4 + 0 तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखो 0, मतलब ये क्या हो गया, देखिएगा धारा उधर जाएगी जिधर प्रतिरोध कम हो, ठीक है। तो यहां पे 4 ओम है, अगर पहले यहां पे 2 ओम था तो प्रतिरोध यहां कम था, धारा यहां ज्यादा जा रही थी या कम जा रही थी, लेकिन प्रतिरोध बिल्कुल 0 ओम ही कर दिया तो बाधा है ही नहीं, बाधा है नहीं तो सारी की सारी धारा इधर से इधर चली जाएगी, तो सारी धारा इधर से इधर चली जाएगी, तो ये बिल्कुल खत्म हो गया ना प्रतिरोध, इन दोनों के बीच में प्रतिरोध कितना हो गया 0। और प्रैक्टिकली बात क्या है, तो सारी सारी जो धारा है वो इधर से इधर निकल जाएगी, इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं आएगा। और मैं पॉइंट टेक्निक के टाइम पर भी मैं बता चुका हूं, ये पॉइंट है ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए ही हो जाएगा, इसलिए इस प्रतिरोध के 2 सिरे है ही नहीं, ये खत्म हो जाएगा। तो यहां पे इन लंबाइयों का प्रतिरोध खत्म करने के लिए यहां तांबे की पट्टियां लगा देते हैं, एक तो इससे बोर्ड से तार की मजबूती बन जाएगी थोड़ी सी, और दूसरा इनका प्रतिरोध भी खत्म हो जाएगा। तो ये 1-1 मीटर 10 मीटर लंबाई के तार का प्रतिरोध ही हमारे काम का है यहां पे, क्लियर, ठीक है। अब कैसे करते हैं, अच्छा ये विभवमापी की संरचना है, लकड़ी की बोर्ड पर 10 मीटर लंबा वायर होता है, कॉन्स्टेनन या मैग्नीन, कॉन्स्टेनन या मैग्नीन का क्यों लेते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं। कॉन्स्टेनन या मैग्नीन के लेने के 2 कारण हैं, एक तो प्रतिरोध ताप गुणांक का मान अल्फा की वैल्यू लगभग 0 होती है, नगण्य, ताकि ताप का इसके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव ना पड़े, दूसरी बात इसकी प्रतिरोधकता भी ज्यादा होती है बजाय तांबे के चालक तार के, ठीक है। प्रतिरोधकता ज्यादा होने का मतलब इनका प्रतिरोध आप नगण्य नहीं कर सकते हो, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध इसका रहेगा, इसलिए प्रतिरोधी तार है ये मतलब, ठीक है। दूसरी बात, विभवमापी का कुछ भी प्रैक्टिकल करना हो, विभवमापी का जो भी काम है जैसे विभवांतर की गणना करना, ठीक है, हमेशा पहले प्राथमिक परिपथ बनाना है, और प्राथमिक परिपथ के अंदर क्या करना है कि इसके जो सिरे को, जो 2 सिरे हैं विभवमापी के ए और बी, इन सिरों को किसी एक्सटर्नल बाह्य बैटरी से और एक कुंजी से और एक धारा नियंत्रक से जोड़ देते हैं, धारा नियंत्रक से जोड़ देते हैं, ठीक है। धारा नियंत्रक का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, धारा नियंत्रक का, ठीक है, मैं समझाता हूं, देखिएगा ये बाह्य बैटरी, ठीक है, हमेशा आपको प्राथमिक परिपथ तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो जब भी हमको यहां पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हम कैसे बनाएंगे, सिंपली इस तरह से बनाएंगे, मतलब ये प्रतिरोधी तार हो गया एपी जो 10 मीटर लंबाई का है, और ये प्राथमिक परिपथ हो गया, ये बैटरी ले ली ईपी, कुंजी ले ली केपी, धारा नियंत्रक आरएच। धारा नियंत्रक का काम है धारा को नियंत्रित करना, कैसे नियंत्रित करता होगा ये धारा को, एक्चुअली ये क्या होता है कि परिवर्ती प्रतिरोध होता है, ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध चेंज होता। देखो अगर मान लीजिएगा परिवर्ती प्रतिरोध है तो टोटल धारा का मान प्रतिरोध पर भी डिपेंड करेगा, अगर ये प्रतिरोध चेंज करते हैं तो धारा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे बनता है ये, कैसे बनाते होंगे, तो देखो एक तरह से किसी कुचालक नलिका पर एक तरह से ये कॉन्स्टेनन का वायर बंधा हुआ होता है, यू
ठीक है, मान लीजिएगा ये वायर की लंबाई है सपोज 50 मीटर, ठीक है 50 मीटर, और इसका अनुमानित प्रतिरोध है 100 ओम एक कैलकुलेशन के लिए करने से, ठीक है। तो पूरे 50 मीटर लंबाई के तार का प्रतिरोध कितना है 100 ओम। अच्छा, तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो जब परिपथ में काम में लेते हैं तो एक सिरा ये, एक इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। अब देखिएगा जब हम काम में लेंगे धारा नियंत्रक को, तो एक सिरा तो ये कनेक्ट करते हैं, एक सिरा ये कनेक्ट करते हैं। अब देखिएगा, देखिएगा जैसे जैसे इधर के साइड में कनेक्ट करते हैं स्लाइडर को, ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में देखिएगा ये वाला कनेक्ट है इससे, ठीक है। तो तार की लंबाई यहां से स्टार्टिंग से लेकर ये यहां पर कनेक्ट हो गई, यहां तक तार की लंबाई आ गई, ठीक है। मान लीजिए इसका 100 ओम प्रतिरोध है, तो 0 से 100 ओम तक इसका प्रतिरोध चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तार की लंबाई बढ़ जाएगी, मतलब प्रतिरोध भी दोनों बिंदुओं के बीच में बढ़ेगा। बिल्कुल इस साइड के अंदर कर दें, यहां पे टच कर दें, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा 100 ओम। और बिल्कुल इस साइड के अंदर टच कर दें इसको, तो ये वाला सिरा भी यहीं पे, पहला सिरा ये और दूसरा सिरा भी यहीं पे कनेक्ट हो गया, प्रतिरोध लगभग कितना हो गया 0 ओम, ठीक है ना। क्लियर यहां तक बात, ठीक है। अब देखो जैसे मैं बताता हूं आपको, देखिए ये है रियोस्टेट धारा नियंत्रक, इसके दो सिरे देखो, ये स्लाइडर, ठीक है ना। जब भी सर्किट में जोड़ना है कभी भी ये दोनों सिरे मत जोड़ना, क्योंकि अगर ये दोनों सिरे अगर जोड़ दोगे तो स्लाइडर का तो कोई मतलब भी नहीं है। जैसे इसके लिए इसका प्रतिरोध है 100 ओम, मतलब 0 से लेकर 100 ओम तक का इसका प्रतिरोध है। अगर आपने ये वाला सिरा और ये टर्मिनल जोड़ दिया ये दोनों, ठीक है, तो स्लाइडर को घुमाते रहोगे, इसका जो काम है धारा को नियंत्रण करना वो नहीं होगा। तो आप सर्किट में हमेशा एक तो ये वाला सिरा जोड़ना, एक ये वाला सिरा जोड़ना। देखो इससे भी तार की लंबाई कौन सी होगी, स्टार्टिंग से लेकर ये जितने भी तार की लंबाई है ये तार इसका प्रतिरोध हो जाएगा। अब इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे इसको, तो इन दोनों के बीच में प्रतिरोध क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, ठीक है। और इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच में, कौन से पॉइंट, ये और ये, इन दोनों के बीच में प्रतिरोध बढ़ेगा। अब ये वाले दोनों सिरे जोड़ लो, बोले एक ये और एक ये जोड़ लो, तो तार की लंबाई कौन सी हो गई, यहां से लेकर यहां तक की। अब की बार अब इधर शिफ्ट करेंगे इसको, तो तार की लंबाई बढ़ रही है, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, कौन से, अगर ये दोनों सिरे जोड़ते हो तो, ठीक है। चलिए इसके अंदर अभी यूज आएगा ये धारा यंत्र का भी, चलिएगा यहां तक चीज क्लियर है क्या। तो ये हो गई विभवमापी की संरचना, ठीक है। अब काम में कैसे लेंगे विभवमापी को, ठीक है। विभवमापी का काम तो है विभवांतर की गणना करना, लेकिन वोल्टमीटर की तरह से इतना इजी नहीं है। वोल्टमीटर में तो करना है क्या, दो टर्मिनल कनेक्ट करो, अपने आप सुई घूमेगी, हमको उसकी रीडिंग पढ़ना है। विभवमापी में कुछ प्रोसीजर है, कुछ तरीका है, ठीक है। तो अब हम वो समझेंगे कि तरीका क्या है। यहां तक चीज क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब इतना एक बार का मैं आपको, चलो इस क्लास में लिखवा तो चुका हूं मैं, ठीक है। चलिए अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया था कि प्राथमिक परिपथ हमको बनाना ही बनाना है, ठीक है। प्राथमिक परिपथ के अंदर ये डिस्कस कर लिया था कि बैटरी है, कोई कुंजी लगी हुई, कुंजी मतलब तो स्विच हो गया, और एक धारा नियंत्रक हो सकता है, और ये प्रतिरोधी तार ए बी हो सकता है, ठीक है। ये प्रतिरोधी तार है, कॉन्स्टेंटन का बनाया हुआ 10 मीटर लंबाई का तार है, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं बात को सुनना, एक कंसेप्ट आएगा पहले वो विभव प्रवणता, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा खेल ही इसका है। विभव प्रवणता एक्स, विभव प्रवणता से पहले एक बात और सुनिएगा। मान लीजिएगा कोई बैटरी है 2 वोल्ट की, ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध है, ठीक है। तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही, ठीक है। तो धारा प्रवाहित हो रही तो टोटल प्रतिरोध कितना है इसका, 4 ओम,
परिपथ का श्रेणी क्रम में हो गए। धारा तो धारा का मान कितना आएगा, आई का मान देखो 2/4 मतलब 0.5 एम्पियर, 1/2। तो इसमें सब में धारा प्रवाहित हो रही है तो सबके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। अब अगर मान लीजिए कि वोल्टमीटर लेते हैं, अच्छा एक चीज और पहली बात ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं ना जैसे वोल्टमीटर में मान लीजिए कुछ त्रुटि देगा, ठीक है, तो अब दिमाग में ये बैठा मत लेना आप कि वोल्टमीटर है तो सर ये तो गलत है, त्रुटि दे रहा था, हम काम में क्यों ले उसको, इतनी गलती नहीं दे रहा है ये। साइंस में तो क्या कि इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, इसलिए हमको सो करना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, अगर मान लीजिए इतनी गलती देगा तो वो खरीदेगा क्यों कोई वोल्टमीटर कंपनी के, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल माइनर त्रुटि होती है, जो उसका प्रैक्टिकली जो प्रतिरोध लिखते हैं वो कई जैसे 1,00,000 ओम 10,00,000 ओम इतना प्रतिरोध होता है ताकि बिल्कुल नगण्य एरर आती है, कोई ज्यादा नहीं आती, ठीक है। अगर मान लीजिएगा मैं यहाँ पे वोल्टमीटर लगाता हूं तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी, 0.5 एम्पीयर की धारा है, 1 ओम, ओम के नियम से आई गुना आर, एक 0.5 गुना 1 मतलब 0.5 वोल्ट, ठीक है, 0.5 वोल्ट रीडिंग आएगी। अच्छा एक वोल्टमीटर में यहां लगाता हूं तो ये भी रीडिंग 0.5 वोल्ट ही देगा, ठीक है, यहां पर भी 0.5 वोल्ट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको यहां से हटाता हूं, ठीक है, और इस टर्मिनल को अगर मैं यहां कनेक्ट करता हूं, अब ये रीडिंग कितनी देगा, 1 वोल्ट, ये 2 ओम प्रतिरोध हो गया। अच्छा अगर इसको यहां की बजाय यहां पे कनेक्ट कर दे तो 3 ओम टोटल प्रतिरोध हो गया, धारा 1 पॉइंट, तो आंसर कितना आ जाएगा आपकी बार, 1.5 वोल्ट, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसको इधर की तरफ कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 ओम प्रतिरोध हो गया, 0.5 मतलब 2 वोल्ट। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बैटरी का जितना विभवांतर है, ठीक है ना, वो सारा का सारा वोल्टेज, विद्युत वाहक बल जितना भी बैटरी का है, वो सारा का सारा वोल्टेज कहां पर खर्च हो रहा है बताओ, प्रतिरोध के सिरों पर खर्च हो रहा है कि नहीं, 0.5 0.5 0.5 0.5, ठीक है ना। अब बात को सुनना, मान लीजिएगा ये आदर्श बैटरी है, आदर्श बैटरी है और 2 वोल्ट की बैटरी है, मतलब इसका आंतरिक प्रतिरोध 0 ओम है, इसको भी आपने 0 ओम पर सेट कर रखा है, ठीक है, ये प्रतिरोधी तार है, ये प्रतिरोधी तार है भी, ठीक है। तो अब बताओ ये सारा का सारा बैटरी का जो विभव है, विभवांतर है, विद्युत वाहक बल है, ठीक है, वो कहां पे खर्च होगा, केवल और केवल यहां पर ही आएगा ना। मैं अगर यहां पे वोल्टमीटर लेता हूं, एक रीडिंग, एक दूसरी साइज ये टर्मिनल यहां कनेक्ट कर दिया तो कितने रीडिंग देगा ये, 2 वोल्ट, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, आदर्श बैटरी है, 0 ओम पर सेट कर रखा है, तो सारा का सारा विभवांतर यहीं पर खर्च होगा ना, तो लगभग 2 वोल्ट आ जाएगा। अच्छा अगर मैं मान लीजिएगा इसको टर्मिनल को इधर से धीरे धीरे इधर इस साइड में शिफ्ट करता हूं, मतलब जोकी से कनेक्ट कर लिए इसको, जोकी को धीरे धीरे इस पे टच किया, इसकी रीडिंग उतनी रहेगी या कम होगी, ज्यादा होगी, तो शायद रीडिंग कम होने लगेगी, क्यों, क्योंकि प्रतिरोध कम हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ कि सारा का सारा बैटरी का विभवांतर यहीं पे खर्च हो रहा है ना, ठीक है, आप बताओगे क्या कि अगर मान लीजिएगा ये पूरी 10 यहां पे 2 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन कितने मीटर पे, 10 मीटर लंबाई पे 2 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, 10 मीटर लंबाई पे कितना मिल रहा है, 2 वोल्ट, तो 1 मीटर लंबाई पे कितना मिलेगा, 2/10 वोल्ट पर मीटर, मतलब 0.2 वोल्ट पर मीटर। मतलब अगर मैं इसका 1 मीटर टर्मिनल लेता हूं, 1 मीटर तार की लंबाई तो 0.2 वोल्ट, 2 मीटर ले ली तो 0.4 वोल्ट, ठीक है। तो विभव परवण का यही से कंसेप्ट आ रहा है कि विभव मापी तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन, कितना विभवांतर आ रहा है, 1 मीटर लंबाई तार पर विभव पतन, विभव परवणता एक्स कहलाती है, ठीक है। या फिर आप ऐसे मान लीजिए, देखो अगर मान लीजिए रीडिंग है एल, जैसे जैसे एल बढ़ रही है तो विभवांतर बढ़ेगा कि घटेगा, विभव पतन, इसकी रीडिंग बढ़ेगी एल बढ़ने पर, ठीक है, तो तार के लंबाई के साथ में विभव पतन, खर्च होने वाला विभवांतर वो भी बढ़ेगा, तो वी समानुपाती क्या कर देंगे, एल, प्रैक्टिकल तो यही है विभव मापी का,
ठीक है, माइनर एक्टिविटी के अंदर है एक कि तार की लंबाई के साथ में विभव पतन भी बढ़ता है, लंबाई बढ़ने के साथ इसका अध्ययन करना, विभव प्रवणता की गणना करना। ठीक है, तो v इक्वल टू कोई कांस्टेंट एक्स एल, एक्स एक नियतांक है जिसे विभव प्रवणता कहते हैं, एक्स एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, नियतांक, जिसे विभव प्रवणता कहा जाता है, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वी अपॉन एल, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर हो गया। ठीक है, तो आप उसको डेफिनेशन रटना मत कि फॉर्मूला मत रटना कि एक तरह, सॉरी फॉर्मूले को रट मत लेना कि वी अपॉन एल। एक तो ये चीज ध्यान रखना कि विभवमापी तार की एक मीटर लंबाई पर कितना विभवांतर आ रहा है वो क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता, मात्रक वोल्ट पर मीटर। ठीक है, या फिर अगर ये फॉर्मूला ध्यान रखो तो ये ध्यान रखना L तार की लंबाई और ये V विभव पतन है उस तार की लंबाई पर। फॉर एग्जाम्पल अगर तार की लंबाई अगर अपन पूरी ले लेते हैं L, ठीक है, तो फिर X की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, मतलब वी ए बी अपॉन L, वी ए बी मतलब ए बी के ऊपर विभवांतर। ठीक है, अब आप मेरे को ये बात बताओ कि आदर्श बैटरी में 2 वोल्ट है, 0 ओम पर ये सेट कर रखा है, ठीक है, तो सारा का सारा विभवांतर यहीं पर आएगा, 2 वोल्ट कितने मीटर लंबाई पे, 10 मीटर लंबाई पे। ठीक है, तो 10 मीटर लंबाई पे 2 वोल्ट, तो 1 मीटर लंबाई पे 2/10 मतलब 0.2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब बात को सुनना ध्यान से, मेरे को आंसर देना। अगर आर एच की वैल्यू 0 ओम नहीं, मतलब कुछ ना कुछ इसका प्रतिरोध है, यह आदर्श बैटरी है, तो बताओ विभव प्रवणता उतनी रहेगी कि कम होगी, विभव प्रवणता उतनी रहेगी कि कम होगी, तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 2 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज तो यहां पर भी खर्च होने लग गया, कुछ विभवांतर यहां पर खर्च हो गया, क्योंकि ये तो श्रेणी क्रम में है, तो बचावा मान लीजिएगा अगर 0.4 वोल्ट अगर यहां खर्च हो जाए, एक एग्जांपल लेते हैं, तो यहां पर कितना आएगा, 1.6 वोल्ट कितने लंबाई पर, कितने मीटर लंबाई तार पे, 10 मीटर लंबाई तार पे, तो अब की बार विभव प्रवणता मतलब 1 मीटर पे कितना जाएगा, 1.6 वोल्ट बटा 10 मीटर 0.16 वोल्ट पर मीटर आ जाएगी विभव प्रवणता। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां पे मान लीजिएगा आंतरिक प्रतिरोध भी है बैटरी का, आदर्श बैटरी नहीं है, ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध यदि बैटरी का है तो जो विद्युत वाहक बल है उसका कुछ भाग तो आंतरिक प्रतिरोध में ही खर्च हो जाएगा, कुछ यहां पे खर्च हो जाएगा अगर 0 ओम नहीं है तो, और कुछ बचा हुआ जो है वो यहां पर खर्च होगा। ठीक है, तो बताओ विभव प्रवणता इसको चेंज करने से, आंतरिक प्रतिरोध चेंज करने से, मतलब कुल मिलाकर धारा चेंज होने से चेंज हो जाएगी कि नहीं होगी, हो जाएगी ना चेंज। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बनाता है विभव प्रवणता निकालने का, एक फॉर्मूला बनाता है विभव प्रवणता निकालने का कि विभव प्रवणता का मान अगर आपको ऐसा कोई सर्किट दे रखा है तो विभव प्रवणता कितनी होगी। तो विभव प्रवणता क्या होती है कि विभवमापी के प्राथमिक परिपथ बनाने पर विभवमापी तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन क्या कहलाएगी, विभव प्रवणता। दूसरी बात, विभवमापी तार की लंबाई बढ़ने के साथ में उस पर विभव पतन भी बढ़ता है, v समानुपाती l, v बराबर xl, x एक नियतांक जिसे विभव प्रवणता कहते हैं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, मैं आपको फिर कह रहा हूं फॉर्मूले को मत रटना, फॉर्मूले को ध्यान रखो, तो ये ध्यान रखना एल जो लंबाई है और वी विभव पतन है, वोल्टमीटर की रीडिंग है, खर्च विभवांतर है किस पर, इतनी लंबाई तार पे, तार की लंबाई पूरी लेते हो विभवांतर पूरा ए बी। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल करते हैं, उससे कुछ चीज क्लियर होगी। न्यूमेरिकल से पहले विभव प्रवणता का फॉर्मूला निकालते हैं, देखो एक बार, ठीक है, मैं इसको रख कर दूं,
तो देखिएगा, अब देखो प्रवणता का एक सूत्र निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिएगा यह है प्राथमिक परिपथ, ठीक है। प्राथमिक परिपथ से देखो विभव प्रवणता निकालते हैं, तो देखो क्या क्या प्रतिरोध हो जाएंगे। मान लीजिए इसको इस तरह से लिख दो, इसका आंतरिक प्रतिरोध भी हो सकता है आर, ठीक है। इस तार का प्रतिरोध हो सकता है कुछ आर ए भी मान लेते हैं, ठीक है। तो बताओ इस परिपथ में विभव प्रवणता का सूत्र निकालते हैं। परिपथ के अंदर जो सेल है विद्युत वाहक बल हो गया, ठीक है, आईपी धारा हो गई, तो विद्युत वाहक बल हो गया इसमें ईपी, आंतरिक प्रतिरोध हो गया स्मॉल आर, धारा नियंत्रक हो गया जिसका प्रतिरोध है आर एच, और इसका प्रतिरोध भी हो गया आर ए बी। आर ए बी किसका प्रतिरोध हो गया, वायर का प्रतिरोध, कॉन्स्टेंट का वायर है, ठीक है। मैं हल्का सा इसको इसलिए बना रहा हूं ताकि ये रहे कि भाई ये तो चालक तार है, तांबे की तार है, इनका प्रतिरोध नगण्य है, ये कॉन्स्टेंट का वायर है मैग्नीन का, इसका प्रतिरोध है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो टोटल परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध आर टी, टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर प्लस आर एच प्लस आर ए पी। आर क्या हो गया, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, कौन सी बैटरी जो प्राथमिक परिपथ में लगी हुई है। नॉर्मली ये द्वितीयक सेल होता है, प्राथमिक परिपथ इसको कहते हैं, इसमें जो ये सेल है ना, ये मतलब एक तरह से द्वितीयक सेल है, बैटरी यही है, इसको प्राथमिक परिपथ कहते हैं। ये लैक्लांच ये डैनियल सेल नहीं है, इससे साथ संचायक सेल बैटरी यही है। आर एच क्या हो गया, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब किस ओम पर सेट कर रहा है, जैसे 0 से 100 ओम की रेंज है इसकी, तो आपने 40 ओम पे सेट कर रखा है, 50 ओम पे, जो भी है उसका प्रतिरोध है, ठीक है। और आर ए बी क्या है, विभवमापी तार का प्रतिरोध, विभवमापी तार ए बी का प्रतिरोध, ठीक है। अच्छा, तो धारा प्राथमिक परिपथ में, धारा प्राथमिक परिपथ में धारा क्या हो जाएगी, धारा आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल अपॉन टोटल प्रतिरोध, तो ईपी अपॉन आर प्लस आर एच प्लस आर ए बी, आर ए बी, ठीक है। अच्छा, विभव प्रवणता निकालना, तो विभव प्रवणता मान लीजिएगा इस पूरे तार की लंबाई है कैपिटल एल, जो कि सामान्यतः 10 मीटर ही होगी, ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा, तो विभव प्रवणता का सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए, तो विभव प्रवणता एक तरह से, विभव प्रवणता x बराबर v अपॉन l है। अगर अगर आप l पूरे तार की लंबाई लेते हो तो ये तार विभवांतर भी पूरा ले लो, v a b अपॉन l, क्लियर है तक, ठीक है। अब देखो v a b अपॉन l, तो v a b निकालना है, तो v a b कैसे निकालेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से देखो यहां का प्रतिरोध कितना है आर ए बी, तो यहां पे भी धारा प्रवाहित आई हो रही है, तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा नियम से, वी ए बी इक्वल टू क्या होगा, आई गुणा आर ए बी, तो वी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई मतलब ये हो गया ई पी अपॉन आर प्लस आर एच प्लस आर ए बी गुणा आर ए बी, ठीक है। और विभव प्रवणता एक्स इक्वल टू वी ए बी अपॉन एल, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वी ए बी ये है अपॉन एल कर दो, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो ई पी अपॉन आर प्लस आर एच प्लस आर ए बी गुणा आर ए बी बट्टा एल, ये एक सूत्र तो बन गया ये विभव,
ठीक है, एक फॉर्मूला तो बन गया आपके लिए, विभव प्रवणता है ये, आर आंतरिक प्रतिरोध, आर एस धारणी यंत्र का प्रतिरोध, आर ए बी इसका प्रतिरोध हो गया, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या कि और भी होता है विभव प्रवणता का, मैं वो भी यहीं पे बता देता हूं, ठीक है, और फिर बात करते हैं। देखिएगा, एक विभव प्रवणता का सूत्र, ये तो प्राथमिक परिपथ की जो चीजें हैं उसके आधार पर। अब देखो, एक सूत्र और भी है विभव प्रवणता का, एक सूत्र और भी मैं यहां पे शो कर देता हूं। देखो, विभव प्रवणता x बराबर हमको क्या पता, वी ए बी बट्टा एन, मतलब धारा के पदों में, इसमें कोई धारा नहीं आएगी ना, धारा की वैल्यू वगैरह देखो कैसे, प्रतिरोधकता के पदों में, उसके पदों में देखो, यदि तार में धारा कैपिटल आई व प्रतिरोध आर ए बी हो तो एक्स बराबर वी ए बी की जगह मैं ऐसा लिख दूं कि आई गुणा आर ए बी बट्टा एन, जैसे यही हो गया वी ए बी की जगह, ठीक है। अब प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के टर्म्स में रो एल अपॉन ए, तो आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आई रो एल अपॉन ए, तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो एक सूत्र ये भी आ गया, आई रो अपॉन ए, ए क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तार का, ठीक है। तो विभव प्रवणता प्राथमिक परिपथ में धारा पर डिपेंड है, पदार्थ की प्रतिरोधकता पर भी निर्भर है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हमारे पास बन गए, ठीक है। देखिएगा, पहले तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो एक मिनट फटाफट आप ऐसा करो, कॉपी करो कि विभवमापी की तार की विभव प्रवणता लिख लो, मतलब ये चीज कि विभवमापी तार की विभव प्रवणता प्राथमिक परिपथ डिसाइड कर, प्राथमिक परिपथ तय करता है, और उसके बाद में ये लिख लो विभव प्रवणता के लिए एक सूत्र ये, ठीक है। और एक फॉर्मूला एक मार पास एक और भी बन गया, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, कॉपी कर लिया आपने, कॉपी कर लिया आपने, मैं इसको रब कर रहा हूं, एक क्वेश्चन करते हैं। चल देखो, एक क्वेश्चन है कि विभवमापी का जो प्राथमिक परिपथ है उसके अंदर कोई बैटरी लगी हुई है जिसका विद्युत वाहक बल है 2.2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध है उसका 0.1 ओम, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध है उसका 1 ओम, ठीक है, और उसको 20 ओम परास के धारा नियंत्रण के साथ जोड़ा गया है। 20 ओम का परास का मतलब 0 से 20 ओम, बिल्कुल इधर की तरफ टर्मिनल कर देंगे इसको 0 ओम, बिल्कुल इधर की तरफ टर्मिनल कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 20 ओम, भाई ये प्रतिरोध हो गया सिंपली 20 ओम का, ठीक है। अब आपको एक सिरा ये ले लिया और एक सिरा ये ले लिया, ठीक है। अभी सिरे को अगर इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, बिल्कुल इधर कर देंगे 20 ओम हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, बात को बोला है कि विभव प्रवणता की गणना करो, 10 मीटर लंबाई का तार है, एल का मान हो गया 10 मीटर, और विभवमापी तार का प्रतिरोध कितना है, देखो 20 ओम है, ठीक है। अब बताओ विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू क्या हो गया, ep अपॉन r प्लस धारा नियंत्रक का प्रतिरोध विभवमापी की तार का प्रतिरोध इंटू आर ए बी बट्टा एल। अब एक बात बताओ, विभव प्रवणता का न्यूनतम का अधिकतम मान ज्ञात करो, ये x का मान है, ठीक है, सॉरी फॉर्मूला है, यहां का जितना वोल्टेज है विद्युत वाहक बल, मैं आपको बता चुका हूं किसी बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है केवल केवल प्रतिरोध पर ही खर्च हो रहा है, ठीक है। अब बताओ अगर इसको 0 ओम पे करें तो सारा का सारा जो वोल्टेज है कुछ आंतरिक प्रतिरोध पे खर्च होगा, बाकी यहां पे आएगा, ठीक है। आपके हाथ में क्या है, सिर्फ धारा नियंत्रक तो चेंज कर सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध जितना है हम चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब विभव प्रवणता का अगर न्यूनतम मान निकालना है, ठीक है, तो कुछ वोल्टेज यहां पर भी खर्च कर दो ज्यादा से ज्यादा, ताकि वोल्टेज यहां पे आए कम, तो विभव प्रवणता का
मान भी कम आएगा। तो विभव प्रवणता के न्यूनतम मान के लिए, x के न्यूनतम मान के लिए बताओ आर एच की जगह कितना रखेंगे, न्यूनतम मान के लिए धारा नियंत्रक का प्रतिरोध कितना रख देंगे, 20 ओम, ताकि कुछ वोल्टेज यहां पर भी खर्च हो जाए, यहां पे आएगा ही कम, ठीक है। इसी को चेंज करने से चेंज हो सकती है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, देखिए x मिनिमम, x की जगह मतलब x मिनिमम कह दूंगा, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, देखो ईपी, ईपी की वैल्यू रख दो, मतलब कितनी होगी 2.2 वोल्ट, ठीक है, अपॉन आर हो गया आपके एक, धारा नियंत्रक का मान 20, और इसका भी प्रतिरोध कितना है देखो 20 ओम ही है, विभवमापी के तार का भी प्रतिरोध 20 ओम गुणा आर ए बी का मान वापस हो गया 20 बटा लंबाई कितनी होगी 10 मीटर, ठीक है। तो ये सारा वैसे प्रतिरोध ओम में आ गया, ये भी ओम, ये मीटर के अंदर, ये वोल्ट में, ठीक है। तो ओम से ओम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया देखो 4.4 अपॉन 41, ठीक है, वोल्ट पर मीटर, ये आंसर आ जाएगा जो भी इससे बने आंसर, ठीक है, क्लियर। अच्छा, और x के अधिकतम मान के लिए, x के अधिकतम मान के लिए यहां पे जो वोल्टेज खर्च हो रहा है उसको कम कर दो। कैसे कम करोगे, इसका प्रतिरोध बिल्कुल स्लाइडर को इधर कर दो, इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा 0 ओम के लिए आर एच की जगह कितना रख देंगे अपन, 0 ओम रख देंगे, ठीक है। तो x के अधिकतम मान के लिए फिर x इक्वल टू मतलब x मैक्सिमम, तो 2.2 अपॉन 1 ओम प्लस आर एच की जगह 0 प्लस 20 ओम गुणा ये आर ए बी 20 ओम अपॉन 10 मीटर है, ठीक है। तो ये 21 हो जाएगा, तो ये ओम से ओम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी देखो 0 से ये भी कैंसिल आउट, तो 4.4 अपॉन 21 वोल्ट पर मीटर, ये आंसर आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो अप्रोक्सीमेटली आ रही है 0.21, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ रही है 0.11, ठीक है। समझ में आ गई, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि वो उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ट है, तो कॉपी करो फटाफट इसको भी। चलो एक क्वेश्चन लास्ट, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में देखो धारा दे रखी है आपको, तो आई का मान कितना दे रखा है 0.2 एम्पियर, ठीक है। और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान कितना दे रखा है 40×10⁻⁸ ओम गुणा मीटर, ठीक है। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए दे रखा है 0.8×10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा अभी विभव प्रवणता निकालना x, ठीक है। तो देखिए प्रतिरोधकता दे रखी है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा आपकी बार, आई रो अपॉन ए, ये डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूला ये, ठीक है। तो सारी वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू रख लीजिएगा 0.2 एम्पियर गुणा रो की वैल्यू कितनी होगी 40×10⁻⁸ ओम गुणा मीटर बटा 0.8×10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर से एक कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो 0.2 तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये मतलब 2/8 गुणा 40×10⁻², ठीक है। और ये ओम गुणा एम्पियर अपॉन मीटर, ये मतलब वोल्ट हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, एम्पियर गुणा ओम किसके इक्वल हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। तो 8 से भी 5×10⁻², वोल्ट पर मीटर, मतलब 1/10 मतलब 0.1 वोल्ट पर मीटर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ये डिस्कस करेंगे कि विभवमापी का जो काम है विभवांतर की गणना करना,
ठीक है, लैब में आपको ऐसे पूछेंगे कि पूछेंगे विभव मापी क्या, आप बड़े कॉन्फिडेंस से आंसर दे दोगे विभव मापी ये होता है कि एक आदर्श उपकरण है, विभवांतर की गणना करते समय कोई त्रुटि नहीं देंगे, कोई भी त्रुटि नहीं देगा, तो एग्जामिनर जो आएंगे वो यही पूछेंगे। ये पकड़ो सेल, विद्युत वाहक बल, वो टेबल पर विभव मापी पड़ा हुआ, मेजर करके लाओ बताओ कितना है विद्युत वाहक बल। कैसे गणना करते हैं विद्युत वाहक बल की, कुछ प्रोसेस है, ठीक है, तो कुछ टाइम लगेगा, कुछ कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। वोल्टमीटर की तरह नहीं है, सीधा रीडिंग टर्मिनल कनेक्ट किए, निडल घूम गई और रीडिंग आ गई, ठीक है। कैसे करते हैं कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।